हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू आर डूइंग वेल एंड डोंट वी पैनिक फॉर योर सीएसटी एडमिट कार्ड एंड अदर मॉक टेस्ट लिंक बिकॉज़ वेरी सुन यू गेट दिस ओके फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो सीएसटी एस टी का आडमिट कार्ड आगे पब्लिश्ड हो गया सारी अलरेडी सो आप जा चेक करें बट नेट बहुत स्लो अच्छे बिकज सेवेन्टी थाउजेंड ताठ बेसी सेवेन्टी था थजेंड एसपायरेन्ट्स अच्छा ता बे एस्पायरेन्ट्स अच्छा तो आपने वरीड हूँ पाइबे एंड जारी भी ओपन होनी ट्राई कर आसीजू वो लिंक आपको मुझे सारी अलरेडी तो आपूँ चेक कर दिवत ग्रुप रे अवेलेबल एंड ताक छाड़ी आउ गोटे इनफर्मेशन दैट इज मॉक टेस्ट मेस्ट रिंक भी बहुत जल्दी पाइपे सो टेंशन ने नेबर कि दरकार नहीं इंग्लिश ईंगश्र पेटाकोची किसी स्टार्ट करें इंग्लीश पेटाकोच भी अच्छे क्वेश्चन भी नहींक्री बट इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन हिसाब से मुझे नहीं सीओ शॉर्ट सब एग्जाम्स से आस so, सो सीओ शर्ट इटा आसे ये सब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं एंड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेन्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन दैट इज चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फर्स्ट वन लैंग्वेज इज एन डैश लैंग्वेज क्या है? So that is application subject, skill subject, content subject, knowledge subject. ऑलमोस्ट यू आर कन्फ्यूज विद इन एप्लीकेशन सब्जेक्ट एंड नॉलेज सब्जेक्ट सो मैं बेसिकली बता देती हूँ कि ये स्किल सब्जेक्ट है इससे आपको बहुत सारे स्किल्स जानने को मिलते हैं सो इट इज स्किल सब्जेक्ट ओके नॉट एप्लीकेशन सब्जेक्ट और नॉलेज सब्जेक्ट नॉलेज यू गेट फ्राम एवरीवेयर सो नॉलेज में भी हो सकता है ये अदर लैंग्वेज में भी मिल जाए सो so, आपका जो लैंग्वेज होता है वो वेरियस टाइप्स के हैं तो so, वो नॉलेज सब्जेक्ट हो नहीं सकता स्किल सब्जेक्ट ओके next question language learning is essentially a tool dash essentially a tool डैश यहाँ पे आप क्या करते हो मैंने अभी ल, बोला था कि लैंग्वेज इज एन स्किल सब्जेक्ट तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ढूंढेंगे यूजिंग इट्स ग्रामेटिकल पैटर्न नो ग्रामेटिकल पैटर्न मीन्स होता है सिंटैक्स सिंटैक्स यहाँ पर हम चूज नहीं करना रहता है और सिमेंटिक भी नहीं चूज करना रहता है एक डेफिनेट वर्ड का मीनिंग हम ढूंढे नहीं सुइटेबल वोकाबलरी नो गवर्निंग सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्शन ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं सबसे important है right? so सबसे इंपॉर्टेंट है एल एस आर डब्ल्यू दैट इज द मास्टरिंग एल एस आर डब्ल्यू स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग राइट सो नेक्स्ट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन ए लैंग्वेज इज मैटर ऑफ डैश पावर ऑफ एक्सप्रेशन आप एक्सप्रेशन जो शो करते हो न लैंग्वेज के थ्रू दैट इज एक नॉलेज है चांस है और स्किल है राइट स्किल इज द राइट आंसर स्किल यहाँ पे क्या होगा राइट right आंसर होगा स्किल नेक्स्ट इन द फोर बेसिक लैंग्वेज कौन सा सबसे फर्स्ट में आता है बोलो वन इज द फर्स्ट एल एस आर डब्ल्यू में लिस्निंग सो लिस्निंग इज द फर्स्ट आंसर अगर बोला जाए लास्ट कौन सा आएगा दैट इज राइटिंग एल एस आर डब्ल्यू सो इन द फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स कम्स लास्ट दैट इज अ राइटिंग कम्स फर्स्ट दैट इज अ असनिंग राइट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो गया सिक्स में चलो इन द फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स स्किल्स कम्स कम स्पीकिंग ओके हो गया अभी नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ओके सो कंस्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेप्टेड इन नाइनटीन फिफ्टी गेव लीज़ ऑफ टू इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश एज एफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री फॉर कितने इंग्लिश लैंग्वेज uh, को ऑफिशियली कंट्री में रखे थे ठीक है तो ये हो गया आपका टेन ईयर्स है ट्वेंटी ईयर्स है फिफ्टीन ईयर्स है थर्टी ईयर्स है फिफ्टीन ईयर्स के लिए नॉर्मली ये फिफ्टीन ईयर्स के लिए था आफ्टर दैट फिर से ये नोटिस निकाला गया फिर से रखा गया ओके इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ डैश द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज स्टार्टेड फ्रॉम द थर्ड क्लास कौन सी यूनियन टेरिटरी में टेरिटरी ऑफ डैश कौन सी यूनियन टेरिटरी में द टीचिंग ऑफ इंग्लिश टीचिंग ऑफ इंग्लिश को स्टार्ट किया गया थर्ड क्लास से बच्चों के थर्ड क्लास से स्टार्ट किया गया दैट इज लक्षादीप पुडुचेरी और दादरा एंड नगर हवेली और चंडीगढ़ दैट इज अ चंडीगढ़ याद रखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंडीगढ़ अभी काम नहीं आएगी वह भी इसमें काम आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं ओके सो नेक्स्ट देखो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल स्टेज इज नाउ फॉलोड ओनली इन डैश नॉर्मली एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज इन नो पीरियड कंटेम्प्रेरी और एंसियंट पीरियड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सो उस टाइम पे क्या होता था ना सारे स्कूल्स uh, में कंपलसरी किया गया ट्रेनिंग स्कूल एलिमेंट्री प्ले स्कूल सब में इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी किया गया था उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आए एंड बेसिकली ये चेंजेस इतना आया कि नॉर्मल हम अभी धीरे धीरे कुछ कुछ uh, जगह पर कंपल्सरी ऑनली इंग्लिश पढ़ते है.

बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट किस चीज के लिए इंग्लिश को यूज करते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डिलीवरेशन नहीं होगा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ए नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज सक्सेसफुल पासवर्ड फॉर डैश माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन डिस्कशन आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में बताती हूँ लिटिल बिट तो कंटेम्प्रेरी इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आया दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी गुरुकुल सिस्टम उससे पहले था गुरुकुल सिस्टम पाठशाला हिंदुज़्म एजुकेशन मुस्लिम एजुकेशन और इस्लामिक एजुकेशन आफ्टर दैट बुद्धिज़्म जर्निज्म ये सारे थे आफ्टर उसके बाद आई ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी नियर अबाउट सिक्सटीन सेंचुरी से आ, अपनी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम को स्प्रेड कर रहा था आफ्टर दैट सेवेंटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी में उन्होंने पूरा प्लानिंग बनाया एंड कुछ एरियाज़ में सिक्सटीन सेंचुरी के लास्ट लास्ट में वो इंडिया uh, में कुछ कुछ जगह पे क्या किया उन्होंने एक एक स्कूल बनाया, स्कूल बनाया बनाया पब्लिक पे बच्चे पढ़ सकते हैं आफ्टर दैट बहुत सारे चार्ट एक्ट्स आने लगे एक्ट्स आर द नॉर्मल टू uh, डेज एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन प्लान विच कम्स विद इन फाइव ईयर्स गैप जो आता है आजकल के टाइम पे फाइव इयर्स के गैप में उसको हम बोलते हैं अभी के टाइम पे एजुकेशन प्लान बोला जाता है उस टाइम में तो चार्टर एक्ट होता था तो चार्टर एक्ट डिफरेंट चार्टर एक्ट वाज पब्लिस्ड बाय डिफरेंट काउंसिल मेंबर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी दे आर द सुपीरियर मेंबर ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी सो दे डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिकॉज दैट टाइम एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी लो सो so, उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा अपना स्प्रेड करना चाहिए बिकॉज दे वांट टू सेट देर एजुकेशन सॉरी एजुकेशनल प्लान एंड थ्रू दिस दे वॉन्ट टू स्प्रेडर बिजनेस ऑल्सो तो उस वजह से बहुत सारे जगह पे उन्होंने स्कूल्स खोले स्कूल के साथ ग्रांति नेट्स आया एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया बहुत सारे चेंजेस आए सो आई होप इतना याद रखेंगे तो so, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए चाह तो so, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंग्लिश होता है सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड अभी तक भी वही चल रहा है नेक्स्ट इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ डैश पीपल इन द वर्ल्ड कितने लोगों के लिए इंग्लिश मदर टंग है 300 मिलियंस पीपल 300 मिलियंस पीपल एंड इंग्लिश को कितने लोग वर्ल्ड में बोलते हैं दैट इज इंग्लिश इज स्पोकन बाय 700 मिलियन पीपल याद रखिए 300 मिलियन पीपल्स यूज करते हैं एज ए इंग्लिश मदर टंग को मदर टंग एज ए इंग्लिश को यूज करते हैं एंड स्पोकन लैंग्वेज दैट इज सब बोलते हैं 700 मिलियंस वन आउट ऑफ डैश पर्सन इन दर्ल्ड नो इंग्लिश ठीक है वन आउट ऑफ टेन दस लोगों में से एक लोगों को इंग्लिश पता रहता है जो कि बोल पाता है ठीक है टेन पर्सन इंग्लिश इज वन ऑफ दिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द डैशनो दैट इज हम बोलते यूनो यूनो मीन याद रखने के लिए दैट इज यू एंड ओ ठीक है यू एंड ओ

So, English is the key to the dash of the knowledge that is key to the success. But success is not be because pe jo options that is a storehouse, dissemination, circulation, communication. So, English is the key to the storehouse of knowledge because through English you can connect yourself with the other countries of the world and you can present your country. A state before the world's communication organization. आप वर्ल्ड के जो कम्युनिकेशन ऑर्गे हैं उसके सामने खुद के कंट्री को स्टेट को प्रेजेंट कर सकते हैं इसके थ्रू एंड इसके थ्रू क्या होगा ना बिजनेस भी आप कर सकते हो एंड डेवलपमेंट भी हमारा पॉसिबल हो सकता है तो दैट इज कॉल्ड स्टोर हाउस ये सर्कुलेशन नहीं कर सकते कम्युनिकेशन ओनली अगर बोला जाए स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है तो ये कम्युनिकेशन है डिसमिनेशन भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हम एक दूसरे से जान पहचान करें एंड बहुत सारा नॉलेज इसमें भाष नॉलेज है इस वजह से इसको यूज किया जाता है इफ वी वांट टू द रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इट इज एसेंशियल क्या एसेंशियल है टू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश टू लर्न द फोर बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश टू डेवलप फ्लुएंसी इन इंग्लिश टू नो इंग्लिश एज अ स्किल सब्जेक्ट एज अ स्किल नहीं होगा ऑनली स्किल्स जानने से नहीं होता है ऑनली स्किल्स को यूटिलाइज करना भी इंपॉर्टेंट है फ्लुएंसी इन इंग्लिश होने से भी नहीं होगा सो so नॉलेज भी होना चाहिए इंग्लिश का नॉलेज भी होना चाहिए कब हुआ था क्या हुआ था नहीं हुआ था टू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश देन नेक्स्ट क्वेश्चन टू एनेबल पीपुल्स अंडरस्टैंड इंग्लिश स्पोकन एट नॉर्मल कन्वर्सेशनल स्पीड कम्स अंडर डेफ स्किल ऑफ इंग्लिश जब हम बोलते है ना कि टू एनेबल जानना चाहते हो कि लोगों का उसमें जो हम अंडरस्टैंडिंग देखते है ना कि हम समझ पा रहे की नहीं इंग्लिश को कन्वर्सेशनल uh, स्पीड uh, के अकॉर्डिंग तो उसको कौन से स्किल्स में लाया जाएगा दैट इज आप बोलोगे स्पीकिंग स्किल तो वो रॉन्ग हो जाएगा लिसनिंग स्किल बिकॉज यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट कौन से स्पीड में में। वो लोग बात कर रहे रहे हैं 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 क्या-क्या पॉइंट बोल तो उसको हम मेंशन करते लिसनिंग राइट इन सिंपल एंड डैश दैट इज अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश करेक्ट इंग्लिश एसेसिबल इंग्लिश मोटिवेशनल इंग्लिश सो आपको बोलना है कि लोग आपके जो सिंपल राइटिंग है उसको समझ पाए तो उसके लिए क्या चाहिए अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश होना चाहिए या करेक्ट इंग्लिश होना चाहिए करेक्ट इंग्लिश लिखेंगे तभी तो अंडरस्टैंड करेंगे सो करेक्ट इंग्लिश इज द राइट आंसर देन रीडिंग स्किल ऑफ इंग्लिश मीन्स टू एनेबल पीपल्स रीड इंग्लिश विद डैश आप चाहते हो कि लोग आपकी इंग्लिश को अच्छे से पढ़े या फिर कोई भी बुक को अच्छे से रीड कर सके तो आप कैसे करोगे रीड

दिस टू पॉइंट्स एक्टिव स्किल्स स्पीकिंग एंड राइटिंग आर द कॉल्ड एक्टिव स्किल टूगेदरली हम उसको बोल सकते हैं कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है सो इसको हम एक्टिव स्किल्स बोलेंगे एंड लिसनिंग एंड और क्या रहे क्या एल एस आर डब्ल्यू है ना एल एंड आर दैट इज अस्निंग एंड रीडिंग को हम पेसिव स्किल्स बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे पेसिवली हम क्या करते हैं रीडिंग जब भी करते हैं आप खुद के मन में करते हो एंड जब भी आप सुनते हो आपको ही अंडरस्टैंड करना रहता है जहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है तो वो हो गया पेसिव जहाँ पे आपको मसल्स यूज करने हैं बोलने हैं या लिखने हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव बिकॉज आपके मोटर फाइन मोटर स्किल्स भी बोला जाता है बिकॉज आप फाइन मसल्स को यूज करते हैं फ्लेक्सर मसल्स को यूज करते हैं फिंगर्स के या फिर माउथ के जो मसल्स हैं मूवमेंट करने से आप बोलते हो ओके द स्किल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ऑल्सो कॉल्ड डैश आप स्किल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग को और भी क्या बोल सकते हैं प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव स्किल्स बोला जाता है बिकॉज इसके थ्रू आप प्रोड्यूस करते हैं कुछ चीजों को डैश इज कॉल्ड द मोस्ट डिफिकल्ट स्किल्स सबसे डिफिकल्ट कौन सा डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग ही है एल एस आर डब्ल्यू सो आपका सबसे डिफिकल्ट है डब्ल्यू ठीक है है एल सबसे इजी उसके बाद हम डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग राइटिंग में बोलते हैं राइटिंग इज द डिफिकल्ट पॉइंट देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं डिवाइडिंग ए सेंटेंस इंटू सेंस ग्रुप्स ग्रुप इज कॉल्ड डैश क्लस्टर बोलोगे चंकिंग बोलोगे स्ट्रोक और इंटोनेशन इंटोनेशन मीन्स होता है टोन में आप थोड़ा सा गैप दोगे या पोज करोगे स्ट्रोक दैट इज अ स्ट्रोक लाइन आप राइटिंग में यूज करते हैं स्ट्रोक लाइंस और वेब लाइंस या सर्कल ओवल यूज करते हो क्लस्टर में जहाँ पे ग्रुप्ड करके रखते हो यहाँ पे बोला गया सेंटेंस को आप तोड़ रहे हो तोड़ के छोटे छोटे ग्रुप्स में बना रहे हो एंड जिसका डेफिनेट मीनिंग होता है चंकिंग उसको बोलते हैं चंकिंग कंप्रीहेंसन डील्स विद डैश कंप्रीहेंसन दैट इज अ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और लिसनिंग रीडिंग

क्यों हम लिंक लैंग्वेज बोले इट कनेक्ट वेरियस सिटीज नो इट इज अंडरस्टूड द द द एजुकेटेड पीपल ऑफ ऑल ओवर कंट्री नो नो ट्रेड एंड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर मोस्टली कंडक्टेड इन इंग्लिश तो ऐसा नहीं बोल सकते हम बोल सकते वेरियस सिटीज को कनेक्ट नहीं करता यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बातचीत कर सकते कंट्री के ओवर द कंट्री एंड मोस्टली वन स्टेट टू अनदर स्टेट में हम बिजनेसिस कर सकते हैं अपनी कंपनीज को बढ़ा सकते थ्रू इंग्लिश ये मोस्ट प्रोबेबली होते हैं इंग्लिश के थ्रू तो बी इन सी इज द करेक्ट आंसर सो डी इज द करेक्ट आंसर द फ्रेज इंग्लिश हेज अ लाइब्रेरी ऑफ लैंग्वेज ऑन दी इम्प्लाइज दैट बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं एंड बहुत सारे स्किल्स हैं

बहुत अटेंशन चाहिए बिकॉज आप उसमें समझ रहे हो कम्प्रीहेंसिव वे में समझ रहे हो अगर नहीं समझोगे तो आपका राइटिंग भी हैम्पर होगा एंड उसके साथ आपका जो रीडिंग प्रोसेस था रीडिंग प्रोसेस भी इनकम्प्लीट रहा तो कोई चीज आप समझ भी नहीं पाओगे सो so, इसके लिए द स्किल ऑफ फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलते हैं। English is a window language through which we are able to see the sec uh, scientific, technological, agricultural, commercial, and dash taking place in the world. इंग्लिश इज ए विंडो लैंग्वेज विंडो लैंग्वेज ओपन करता है सारा को जिसके थ्रू आप साइंटिफिकली और साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चर कमर्शियल एंड डैश टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारे वर्क चलते हैं उसके साथ कौन सा होगा जुडिशियरी लिटरेरी इकोनॉमिकल रिलीजियस हम लोग ऑलरेडी कमर्शियल लिखे हैं तो इकोनॉमिकल हो गया रिलीजियस रिलीजियस इंग्लिश को आप यूज नहीं करते हैं जुडिशियरी लॉ के अकॉर्डिंग भी नहीं लिटरेरी डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं बिकॉज इसके थ्रू लिटरेचर डेवलपमेंट होता है सारे कंट्रीज में इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ज्यादा ही वैल्यू देते हैं इस वजह से नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एफ जी फ्रेंच एनी वन हु कैन रीड इंग्लिश कैन कीप इन टच विद द होल वर्ल्ड ये बोला गया एफ जी फ्रेंच ने अगर कोई भी एक पर्सन इंग्लिश को रीड करता है जो भी रीड करता है वो पूरे वर्ल्ड को टच कर सकता है विदाउट लिविंग हिज ओन होम विदाउट रेफरिंग टू नोटबुक विदाउट नोइंग द परफेक्ट प्रनशिएशन विदाउट नोइंग अनफेमिलियर पीपल

टू दाइनी पीपल ओनली चाइनी जहां पर रहते हैं वो यूज करेंगे टू द चाइनीज स्टेट ओनली चाइनीज स्टेट में चलेगा टू द चाइनीज टेरिटोरी और टू द चाइनीज सब कंटिनेंट ये चाइनीज टेरिटोरी में भी नहीं होगा चाइनीज स्टेट्स में भी नहीं होगा स्पीकिंग पीपल्स में भी नहीं होगा बिकॉज सब कंटिनेंट होगा जहां जहां चाइनीज लोग है वो भी होगा फिर चाइना के आसपास के जो जगह है जहां पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी चलता है वो भी होगा चाइना के जितना एरिया है कन्फाइंड है वो सब में होगा तो ऑल ऑफ दी लास्ट ऑप्शन में आ जाता तो लास्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर सो आई होप इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसके बाद भी और ग्रामेटिकल अप्रोचेस के ऊपर लाऊंगी कल मैं आप लोगों को दे दूंगी आप लोग